नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आपाइएस में। तो आज से एक नई सीरीज़ नया आरंभ हम लोग करने वाले हैं। तो आज से करंट अफेयर रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2020 की आरंभ सीरीज़ चालू हो गई है। 27 जून 2021 तक का करंट अफेयर्स, पूरा पूरा साल भर का करंट अफेयर क्रैश कोर्स बिल्कुल मुफ्त पीडीएफ के साथ आपको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपाइएस में। और इससे बाहर बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछेगी, इस बात की हम लोग गारंटी लेते हैं। तो आज हम कवर करेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस, पूरा पूरा कहाँ से कहाँ तक हम कवर करेंगे फरवरी से लेकर अप्रैल तक। तो बात कर लेते हैं पॉलिटी का जो है ट्रेंड एनालिसिस एक बार कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अगर पॉलिटी का ट्रेंड एनालिसिस करें तो लगभग 14 से लेकर 21 क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, जिसमें सब कैटेगराइजेशन करें तो लगभग ये 13 टॉपिक होते हैं। और इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर से, और आते हैं फंडामेंटल राइट डीपीएसपी और स्टेचुटरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इन सभी टॉपिक्स को स्टैटिक में प्रिपेयर करना है, और करंट अफेयर्स से सबसे ज़्यादा जो है टॉपिक्स कवर होते हैं, वो उसके लिए आपको ये पूरा वीडियोस देखने पड़ेंगे। तो आइए, जैसे कि कहते हैं यूपीएससी का एक हवा बना रखा है, यूपीएससी इतना टफ एग्जाम नहीं है, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि हाउ टू स्टडी और कैसे पढ़ना है। आप आइए इसके साथ वीडियो देख के पढ़ना है, तभी आप लोग सक्सेस हो पाएंगे। तो अब टॉपिक्स को देखिए, वो तो स्टैटिक टॉपिक थे जिनको सब कैटेगराइज किया था, बट यहाँ करंट में भी जो है टॉपिक्स को सब कैटेगराइजेशन की जरूरत थी। तो हमने तीन सब कैटेगरी बना दी, एक्टिव न्यूज़, पॉलिटी बॉडीज इन न्यूज़ और पॉलिटी जनरल। तो आज की वीडियो में एक्टिव न्यूज़ को हम कवर करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हुए बात करेंगे इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड बिल इन न्यूज़। सबसे पहले बात करेंगे एपिडेमिक डिजीज एक्ट की। तो एपिडेमिक डिजीज एक्ट ब्रिटिशर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये इंट्रोड्यूस कब किया गया था, जब बॉम्बे में बुबोनिक प्लेग आया हुआ था, तो उस टाइम पे जो बॉम्बे स्टेट में बहुत से सेंट्रल डायरेक्शन थे उनको इन्वोक करने के लिए, तो इसलिए एपिडेमिक डिजीज एक्ट लाया गया था। और इसी के कुछ प्रोविजंस यानी कि सेक्शन 2 जो इसका है उसको इन्वोक किया गया था रिसेंटली बाय यूनियन कैबिनेट, क्योंकि जो हेल्थ है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, और इसका अगर सेक्शन 2 इन्वोक करते हैं तो ये पावर देता है सेंट्रल को टू इशू एडवाइजरीज डायरेक्शंस, और इस हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी डायरेक्शंस थे वो इसके द्वारा जो है इन्वोक किए गए थे। और ये पहली बार नहीं है कि हम इस एक्ट का यूज़ करें, इससे पहले भी स्वाइन फ्लू, कोलरा, डेंगू एक्सेट्रा एक्सेट्रा में ये इन्वोक समय समय पर किया गया है। और 2018 में भी हमने ये जब गुजरात एरिया में कोलरा का स्प्रेड हुआ था तो इस एक्ट को इन्वोक किया गया था। तो एपिडेमिक डिजीज एक्ट ऑर्डिनेंस 2020 के बारे में जानते हैं। इसमें जो है कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो था लगातार जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल थे उन पर अटैक्स की बातें सामने आ रही थी, तो इसी के लिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और उनको और उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है इस एक्ट में जो है एक अमेंडमेंट टाइप का लाए थे, क्योंकि पार्लियामेंट उस टाइम पे सेशन में पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए एक ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेट किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा। और प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस से जो है हमने कुछ अमेंडमेंट्स किए थे, और उसमें जो है क्या किया गया था हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को की प्रॉपर्टी को और उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो वायलेंस एपिडेमिक्स में हो रही है उनको रोकने के लिए जो है स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस लाए गए थे। अब बात करते हैं पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल की। अब देखिए पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल क्यों लाया गया, क्योंकि भारत एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, मोर देन 57% ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। तो इसी को देखते हुए होता क्या था टीवी पर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर इलिटरेट इन आर कंट्री, तो इसी को देखते हुए जो है पेस्टिसाइड्स और जो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती थी वो क्या करती थी, बहुत से जो है फेक एडवर्टाइजमेंट ले आती थी, और उन एडवर्टाइजमेंट को देखते हुए जो है फार्मर्स को जो होता था हैवी लॉस हो जाता था, क्योंकि वो 10 टाइप के फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड डालते थे, बट उनका रिजल्ट आउटपुट जो होता था वो जीरो होता था। और इसी के रीजन की वजह से जो विदर्भ रीजन महाराष्ट्र का वहाँ पे मेजर फार्मर सुसाइड्स जो है देखने को मिलते थे। तो इसी को लेकर ले जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एक यूनिक बिल लाई, जिसमें कहा गया कि अगर ऐसी कोई भी फेक एडवर्टाइजमेंट की वजह से किसी भी फार्मर को कोई भी नुकसान होता है तो उसका जो कंपनसेशन होगा वो कंसर्न कंपनी का होगा, और पूरी पूरी जो भी लॉस अगर लो क्वालिटी पेस्टिसाइड की वजह से जो होता है तो उसका जो पूरा पूरा लॉस होगा वो पेस्टिसाइड कंपनी देगी। और क्योंकि अभी तक जो पेस्टिसाइड का जो बिजनेस था वो रेगुलेट होता था पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड एक्ट के द्वारा, तो उसी को थोड़ा सा एग्रीवेट करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ये पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल आई है। अब देखिए होता क्या है, इंडिया जो है एक सबसे बड़ी डोमेस्टिक मार्केट है किसकी, पेस्टिसाइड्स की, और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जो है जो कि हम लोग कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन जहाँ पे सबसे ज्यादा स्प्रेड हुआ था वो यही एरिया से, तो यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा कंजप्शन होता है हमारा फर्टिलाइजर्स का। और इसी को लेकर जो है पैडी और इन क्रॉप्स में जो है मैक्सिमम जो कंजप्शन होता है अराउंड 26-28%, और कॉटन में जो कंजप्शन होता है अराउंड 18-20%। तो इसी रिगार्डिंग जो है ये अमेंडमेंट आया गया कि फार्मर्स को एक सिक्योरिटी दे दी जाए अपनी जो भी क्रॉप्स हैं उनको रिगार्डिंग। तो आइए अगले एक्ट की ओर बढ़ते हैं। तो अगला एक्ट है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। तो ये एक्ट क्या कहता है, ये स्टैब्लिश करता है स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स में, और ये रेगुलेट भी करता है पूरा पूरा ट्रेड और कॉमर्स को। और इसमें मेजर जो बात की गई है वो रेगुलेशन की बात की गई है मैनुफेक्चर सेल ऑफ स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स। तो पहले जो था जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट जो है 2009, ये रिसेंट में क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि जो लगातार बात आ रही थी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट्स की, तो उसको लेके ये जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसका ये होता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने। अगला पॉइंट है सिनेमेटोग्राफी एक्ट। तो सिनेमेटोग्राफ एक्ट क्या है, इस पर रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट भी लाई है। तो इसमें क्या किया गया है, ताकि जो है पायरेसी का जो इशू है वो मेजर इशू है, कि आपने देखा होगा कि हाँ मार्केट में अमेजन या कोई भी फ्लिपकार्ट और या फिर फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी अगर फिल्म रिलीज होती है तो वो उसकी पायरेटेड कॉपीज ऑलरेडी टेलीग्राम और जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो है अवेलेबल हो जाती है, और पायरेटेड कॉपीज जो है उनकी बिकनी शुरू हो जाती है। तो इसी को प्रोहिबिट करने के लिए कि लीगल रिकॉर्डिंग्स अगर किसी सिनेमा हॉल में हो रही है या फिर पायरेट कॉपी बना रही है तो इस पर स्ट्रिंजेंट प्रोविजन जो है बनाए गए हैं उसको प्रोहिबिट करने के लिए। और जो दूसरा प्रोविजन है वो इस पर आपको 3 ईयर्स का जो है फाइन लगाया जाएगा अगर ऐसा कोई भी ऑफेंस करता हुआ पाया गया है। तो आइए अगले एक्ट की ओर बढ़ते हैं, मिनरल लॉस अमेंडमेंट बिल 2020। तो देखिए ये क्योंकि एक्ट क्या है, तो ये जो बिल बेसिकली है वो लाया गया है 2 एक्ट को मर्ज करने के लिए, मिनरल एंड माइंस डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 और कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2015। तो इसमें क्या है, कंपोजिट लाइसेंसिंग फॉर प्रोस्पेक्टिंग एंड माइनिंग ये प्रोविजन स्पेशली एडिट किया गया है। तो इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है एंड यूज़ ऑफ द कोल। अब ये एंड यूज़ ऑफ द कोल क्या है ये जानते हैं। तो इसमें क्या होता था, पहले कंपनीज को प्रायर कोल माइनिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए था,
क्योंकि माइनिंग कंपनीज जो थी वो एक्सपीरियंस और फाइनेंशियल एस्पेक्ट में जो है उतनी कैपेबल नहीं हो पाती थी, तो ज़्यादातर जो थी कंपनीज जो थी वो इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाती थी। तो जो रीएलोकेशन होता था कोल माइनिंग का आफ्टर टर्मिनेशन, तो वो रीएलोकेट होती थी, वो डिटरमाइन करती थी कौन सी गवर्नमेंट, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसी को लेके जो है एक प्रायर परमिशन चाहिए होती थी स्टेट गवर्नमेंट को टू एलोकेट द कोल माइंस, बट एक्ट के आने के बाद वो जो प्रायर परमिशन है ऑफ ग्रांटिंग रिकनसाइनेंस परमिट, वो जो है वो पूरी तरीके से जो है ख़त्म हो जाएगी। और प्रोस्पेक्टिव लाइसेंसिंग जिसमें कि माइनिंग लीज पे दी जाती थी मिनरल्स निकालने के लिए, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ईज आउट हो जाएंगी चीज़ें। और स्टेट गवर्नमेंट जो है इसमें क्या अलाउ की गई है, वो एडवांस ऑक्शन कर सकती है माइनिंग लीज का, और जो एक्सपायरी पीरियड है उससे पहले ही जो है वो एलोकेट कर सकती हैं माइंस को टू द कंसर्न पार्टीज और कंपनीज। तो इसमें वेरियस अप्रूवल लाइसेंस जो है वो सिंगल विंडो सिस्टम के द्वारा जो है एलोकेट किए जाएंगे, और जो प्रीवियस लाइसेंसी है उसको अगर वो सक्सेसफुल बिडर है, मीन्स वो अगर लिस्ट कोट करता है चीज़ों को, तो वो अगले 2 साल के लिए उस माइन का जो है लाइसेंस ले सकता है। तो यह है कंपोजिट लाइसेंसिंग, यानी कि प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट, और इसमें एक्सटेंड कर दी जाएगी उसकी माइनिंग की जो है लीज। तो ये अगले एक्ट की ओर चलते हैं। अगला एक्ट जो है जो रिसेंट में न्यूज़ में है जो स्कीम है वो है विवाद से विश्वास एक्ट 2020। तो ये एक एक्ट क्या प्रोवाइड करता है, डायरेक्ट टैक्स को सेटल करने की बात करता है, और कंप्लीट वेवर इसमें हमें इंटरेस्ट पे मिलेगा। तो ये सबसे पहले जो था ये 31 मार्च तक था, बट क्योंकि कोविड टाइम वहाँ पर चल रहा था तो इसको लॉकडाउन के पूरे समय पर जो है इंप्लीमेंट किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें आप क्या करना होगा, अगर आप टैक्स पेयर हैं और आपने अभी तक जो है टैक्स आपने पे नहीं किया और आपका डिस्प्यूट चल रहा है अपेलेट ट्रिब्यूनल में या किसी भी हाई कोर्ट में, अगर आपका टैक्स रिगार्डिंग अगर आपने पेमेंट के रिगार्डिंग आपका इशू है, तो आप इनकम टैक्स कमिश्नर या फिर इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी जाकर बिफोर 31 जनवरी 2020 आपको जो है टैक्स आपने पे करना था, और जो भी डिस्प्यूटेड टैक्स था उस पे जो है इंटरेस्ट और पेनल्टी कुछ भी नहीं पड़ेगा, जो आप केवल और केवल एक्चुअल टैक्स था वो जमा करके आप लोग जो है भर सकते थे। और इसमें जो है जो डिस्प्यूट कवर नहीं होंगे वो कौन कौन से हैं ये जानना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन जो कि कन्विक्टेड है पर्सन के ऊपर जो कि डिफरेंट लॉज में ऑफेंसेस के अंदर जो है पहले ही बुक हो चुके हैं, उनके ऊपर ये एक्ट बिल्कुल भी लागू नहीं होगा। अब पॉस्को में जो है अमेंडमेंट किए गए हैं, तो पॉस्को में जो अमेंडमेंट हुए हैं उसमें मिनिमम पनिशमेंट क्राइटेरिया जो है डेथ पेनल्टी जो है फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो है वो बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा देखिए जो असॉल्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर दी गई हैं, अगर किसी भी चाइल्ड की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग एन असॉल्ट जो कि कमिट किया गया था ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटी और सिमिलर सिचुएशंस पे, और अगर वायलेंस की गई और एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट किया गया तो उस पर, और यहाँ पे जो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी को कैसे डिपिक्ट किया गया उसकी एक डेफिनेशन यहाँ पे कोट कर दी गई है कि विजुअल डिपिक्शन ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट इन्वॉल्विंग द चाइल्ड इंक्लूडिंग फोटोग्राफ, वीडियो, डिजिटल और कंप्यूटर जनरेटेड इमेज इंडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द एक्चुअल चाइल्ड। यहाँ पे क्या डेफिनेशन दे दी गई है कि अगर इवन दो द चाइल्ड इज़ नॉट आइडेंटिफाइबल बट द पोर्नोग्राफी हैज़ बिन वीडियोग्राफ और फोटोग्राफ इवन दो इट इज़ एन ऑफेंस। और तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग जो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट पॉस्को रूल्स 2020 को जो है इम्प्लीमेंट किया गया है, और ये मैंडेटरी है पूरी सभी पुलिस सभी लोगों का कि पुलिस वेरिफिकेशन हो स्टाफ का, और स्टाफ स्टेट गवर्नमेंट जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी लाने के लिए जो है पूरी तरीके से एक्ट में जो है रिस्पॉन्सिबल बना दी गई है, और एक स्टाफ एजेंसी की तरह यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करना है। आइए अगले एक्ट की ओर बढ़ते हैं जो कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बिल 2020। तो ये क्या यहाँ पे ये एक्ट हुआ करता है, तो नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी जो है वो बनाने की बात की जा रही है, गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, और ये बिल जो है गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को स्टेब्लिश करता है कहाँ, गांधीनगर में। तो आइए अगले एक्ट की ओर बढ़ते हैं, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी एक्ट 2020। तो ये एक्ट क्या करता है, 3 डीम्ड संस्कृत यूनिवर्सिटी को जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा ये एक्ट प्रोवाइड करता है। तो वो कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान न्यू दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ न्यू दिल्ली एंड राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति। और आगे बढ़ते हैं, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम मेडिसिन बिल 2019। ये क्या करता है, ये रिपील करता है मेडिकल इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970 को। NCSIM यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो है 29 मेंबर्स होंगे जो कि अपॉइंट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहाँ पे होगा क्या, विद इन पैसेज ऑफ दिस एक्ट विद इन 3 ईयर्स जो स्टेट गवर्नमेंट होंगी उनको इस्टेब्लिश करनी होगी स्टेट मेडिकल काउंसिल जो कि इंडियन सिस्टम के लिए जो है स्टेट लेवल पे। यानी कि अब यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही एक्ट पास हो जाता है उसके 3 साल के अंदर अंदर स्टेट मेडिकल काउंसिल फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है इस्टेब्लिश की जाएंगी, और जिनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव्स होंगे फ्रेमिंग पॉलिसीज एंड रेगुलेटिंग पॉलिसीज फॉर रेगुलेटिंग मेडिकल इंस्टीट्यूशन एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और यहाँ पे इंश्योर किया जाएगा कंप्लायंस बाई स्टेट गवर्नमेंट फॉर दिस बिल, जिससे कि ऑटोनॉमस बोर्ड्स जो है वो सेटअप किए जा सके।
तो ये आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर होम्योथेरेपी। तो ये बिल क्या करता है, होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973 को जो है रिपील करता है, और ये इंश्योर करता है कि हाई क्वालिटी होम्योपैथिक मेडिकल प्रोफेशनल्स जो है वो देश को मिल सकें, और नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ये इस्टेब्लिश करता है, जो कि जिसमें हमारे 20 मेंबर्स होंगे जो कि टोटली अपॉइंट होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और ये इसके ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आता है, फ्रेमिंग पॉलिसीज फॉर रेगुलेटिंग मेडिकल इंस्टीट्यूशन होम्योपैथिक मेडिकल प्रोफेशनल, असिसिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ऑब्जेक्टिव इसके और क्या क्या है, ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योर कंप्लायंस बाय स्टेट मेडिकल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी ऑफ रेगुलेशन मेड अंडर बिल एंड इंश्योरिंग कोऑर्डिनेशन अमंग द बोर्ड सेटअप। तो आइए अगले एक्ट की ओर बढ़ते हैं, तो बात करेंगे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्या है, वो सबसे पहले प्रोमोलगेट किया गया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के दौरान। तो ये प्रोवाइड करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर मंथ्स अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है, कौन कौन सी, कि वो पोज कर रहा है सिक्योरिटी टू नेशनल थ्रेट और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जो है उसकी वजह से आ सकती है, और पर्सन जो है इस एक्ट के लगने के बाद उसको कोई भी चार्ज जो है वो बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके खाली इंटेंशन ही काफ़ी होते हैं कि उसे बुक किया जा सके एनएसए के अंतर्गत और उस पर जो है डिटेंशन उसकी ली जा सके। तो इसका जो प्राइमरी गोल है वो किसी भी पर्सन को क्राइम करने से पहले ही रोकना है। तो एनएसए जिसे हिंदी में रासुका कहते हैं, तो उसमें एक पर्सन जो है विदाउट कमिटिंग एनी क्राइम कैन बी डिटेंड अप टू 12 मंथ, और जो डिटेंशन का पीरियड है वो 10 डेज बिना किसी भी चार्ज के वो पर्सन जो है वहाँ डिटेंशन पे रह सकता है। अब बात करते हैं इंडियन डोमेस्टिक लॉज टू डील विद हेल्थ इमरजेंसीज, जैसे कि अभी रिसेंट में हेल्थ इमरजेंसी पेंडेमिक कोरोना आया हुआ था, तो उसमें बहुत से इंडिया में प्रोविजंस हैं। क्यों, क्योंकि तो हेल्थ जो है वो कौन सा सब्जेक्ट है, वो स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो इसी के रिगार्डिंग जो वेरियस स्टेट्स थे उन्होंने क्या किया था, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स पास किए थे, और इसके लिए उन्होंने यूज़ किया था एपिडेमिक डिजीज एक्ट, जिसमें कि गाइडलाइंस इशू की गई थी रिगार्डिंग सोशल डिस्टेंसिंग और सारे एस्टेब्लिशमेंट का क्लोजर, और कोई भी मूवमेंट है उसका एक्टिव मतलब लिमिटेशन, जैसे कि एक टाइम लिमिट चल रही थी कि 9 से 6 व्हीकल्स चलेंगे, इस टाइप से जो भी लिमिटेशन थी वो एपिडेमिक डिजीज एक्ट के इन्वोकेशन से जो है वो लाई गई थी। अब देखिए दूसरा एक्ट कौन सा है, वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है। इसके हम लोग क्या लाए, एक पूरे देश में जो ब्लैंकेट लॉकडाउन लेके आ गए थे वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो सेक्शन 2 है उसको इन्वोक करके हम लोग लाए थे। अब 7 शेड्यूल की अगर हम बात करें तो ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन में दो, क्योंकि एक्सप्लिसिट एंट्री नहीं है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, तो इसके जो कंकरेंट लिस्ट की एंट्री नंबर 23 थी, सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रोविजंस को इन्वोक करने के लिए, क्योंकि हेल्थ तो जो था वो सब्जेक्ट किसका था, स्टेट लिस्ट का, तो यहाँ पे क्या किया गया, यूजिंग कंकरेंट लिस्ट की जो थी एंट्री नंबर 23, तो उसको यूज़ करके जो है देश भर में जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इन्वोक किए डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस। अब देखिए वो कौन कौन से प्रोविजंस थे, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, अब देखिए क्योंकि कोविड एक नोटिफाइड डिजास्टर जो है वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है ना अनाउंस कर लिया था, तो इसीलिए टाइमली और इफेक्टिव रिस्पॉन्स जो था वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बात करता है। तो इसका जो सेक्शन 72 है वो क्या कहता है कि और कोई भी लॉ हो अगर जो एक्ट होगा उसके पास ओवर राइडिंग पावर्स होंगी ओवर एनी लॉज दैट मे एक्सटेंड इनकंसिस्टेंट विद दिस एक्ट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी हुई है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर जो कि एक सेंट्रल नोडल बॉडी है और जो कोऑर्डिनेट करती है सभी डिजास्टर्स को, जिसमें चेयरपर्सन होंगे प्राइम मिनिस्टर, और स्टेट लेवल, लोकल लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटीज जो है स्टैब्लिश की जाएंगी, जो कि हायर फंक्शनरीज के द्वारा जो है मैंट की जाएंगी। और इसके बाद जो है NDMA जो है 30 गाइडलाइंस NDMA ने अभी तक जो है निकाली हैं, जिन्हें बोलते हैं गाइडलाइंस ऑन मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल डिजास्टर एक्ट 2008। अब NDMA ने जो है इसके अलावा 2019 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी जो है एक्सक्लूसिवली जो बायोलॉजिकल डिजास्टर और हेल्थ इमरजेंसीज होती हैं उसके रिगार्डिंग एक निकाला है। अब कोविड-19 के समय जो है फर्स्ट पेंडेमिक और नोटिफाइड डिजास्टर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा जो है इसको डिक्लेयर किया गया, तो इसी के रिगार्डिंग जो है सब्सिक्वेंटली जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है वो देश में इतने इफेक्टिवली यूटिलाइज किया गया आफ्टर इम्पोजिशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। अब देखिए अगला टॉपिक जो हमारा है वो इस टॉपिक से थोड़ा अटके है, यूज ऑफ ड्रोन फॉर स्प्रेइंग केमिकल इन एग्रीकल्चर। अब देखिए इंसेक्टिसाइड एक्ट जो है वो अलाउ नहीं करता है कि कोई भी ड्रोन और अनमैन्ड व्हीकल से जो है हम हैजर्डस सब्सटेंस जो है वो स्प्रे कर सकें, तो इसी को रिगार्डिंग जो ड्रोन स्प्रेइंग है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है इलीगल क्लासीफाई कर दिया है। तो इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 के अकॉर्डिंग जो एरियल एप्लीकेशन है पेस्टिसाइड का, उसके लिए जो है परमिशन चाहिए होती है सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड के लिए से, और इसके अलावा जो है अगर कोई भी परमिशन जो है नहीं की गई सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड के द्वारा, तो अगर ड्रोन से स्प्रे हो रहा है वो तो पूरी पूरी तरीके से लीगल एक्टिविटी है। और एरियल स्प्रेइंग लार्जर एरिया से जो है कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि जो पेस्टिसाइड है उसकी एफिकेसी जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। आप कासोरबल का आप एग्जांपल ले लीजिए, जहाँ पे कि एरियल स्प्रेइंग की वजह से एंडोसल्फम नाम के जो स्प्रे है मतलब जो केमिकल है उसके स्प्रे से जो है पूरा पूरा जो है एरिया वहाँ का जो है डिग्रेड हो गई थी सॉइल, और पूरी तरीके से वहाँ बंजर हो गई थी भूमि, अराउंड 25 ईयर्स जो है वहाँ पे जो है जो लैंड थी वो डिग्रेड रही थी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे मेडिकल डिवाइसेस एज ड्रग्स।
यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो है मेडिकल डिवाइस को जो है जो ह्यूमंस के लिए यूज़ होते हैं उन्हें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर क्लासिफाई कर दिया है। अभी मेडिकल डिवाइसेज अमेंडमेंट रूल 2020 में जो है हर मेडिकल डिवाइस का जो है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, जो कि ह्यूमंस के लिए एज अ ड्रग क्लासिफाई किए गए हैं। और इनके मैनुफैक्चर, इम्पोर्ट और सेल पर जो है एक सर्टिफिकेशन चाहिएगा CDSCO के द्वारा, यानी सेंट्रल ड्रग स्टैटिस्टिकल कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसके रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वॉलंटरी रहेगा फॉर 18 मंथ। अब ARTE यानी असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल के बारे में बात करते हैं। ये एक्ट का क्या एम है? ये एक्ट एम करता है मॉनिटर मेडिकल प्रोसीजर्स यूज टू असिस्ट पीपल फॉर अचीव प्रेगनेंसी। इसके अलावा जो बिल है वो नेशनल बोर्ड के लिए गाइडलाइन ले करता है टू हैव अ कंडक्ट बीन ऑब्जर्व बाई दोज हु आर ऑपरेटिंग दिस क्लिनिक। इसके अलावा देखिए, ये एक मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोवाइड करेगा लेबोरेटरी और डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट के लिए और जो भी प्रैक्टिस फॉलो करनी है पर्सनस को इस दौरान। इसके अलावा स्टेट यूनियन टेरेटरीज जो हैं उनको स्टेट बोर्ड बनाने पड़ेंगे स्टेट अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो ये बिल्कुल 3 महीने के अंदर अंदर जो है आफ्टर द नोटिफिकेशन निकलता है इस एक्ट का, तो ARTE के रेगुलेशन के बाद तुरंत 3 महीने के अंदर स्टेट बोर्ड बनाने होंगे टू रेगुलेट एंड मॉनिटर द एंड असिस्ट द पीपल टू अचीव प्रेगनेंसी। अब देखिए आगे बात करते हैं, तो आगे बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2019। तो अभी रिसेंट में क्या हुआ है, कर्नाटका की कुछ कम्युनिटीज़ को जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है ST का स्टेटस देने की बात की गई है। वो कौन कौन सी कम्युनिटी हैं? परिवरवा, तलवरवा, सिद्धि ट्राइब ऑफ बेलागावी, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट। तो इन सभी कम्युनिटीज़ को जो है ST शेड्यूल ट्राइब्स में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक नोटिफाइड गेजेट जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्लासीफाई किया गया है। तो ये बिल जो है सेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब एक्ट को जो है अमेंड करता है, जो कि 1950 का जो शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1950 है जो कर्नाटका से डील करता है उसको अमेंड करते हुए इन तीन ट्राइब्स को जो है उसमें और जोड़ देता है। और जो शेड्यूल ट्राइब है वो क्लॉज 25 ऑफ आर्टिकल नंबर 366 डिफाइन किया गया है और अंडर आर्टिकल 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो शेड्यूल ट्राइब के रिलेशन में एक पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरेटरी है उसमें जो शेड्यूल ट्राइब है वो नोटिफाई की जाती है एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा, जो कि कंसर्न गवर्नमेंट गवर्नर से जो है कंसल्ट करने के बाद जो है शेड्यूल ट्राइब्स जो है वो नोटिफाई की जाती हैं और ये मॉडिफाई की जा सकती हैं सब्सिक्वेंटली ओनली थ्रू एक्ट बाई अ पार्लियामेंट। तो इसके बाद देखिए जो क्राइटेरिया है स्पेसिफिक कम्युनिटी का टू बी अ शेड्यूल ट्राइब, तो वो क्या है? वो है इंडिकेटर्स, इस कम्युनिटी के पास इंडिकेशन ऑफ प्रिमिटिव ट्रेड होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव कल्चर होना चाहिए, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होना चाहिए और ये जो कम्युनिटी है दे शुड हैव शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट विद कम्युनिटी एट लार्ज। और इनका बैकवर्डनेस क्राइटेरिया जो है वो टोटली जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वेल डिफाइंड नहीं है। इसके अलावा देखिए जो लिस्ट है ST की वो किसी भी स्टेट या यूनियन टेरेटरी में तो किसी भी कम्युनिटी को जो डिक्लेयर करने की है वो मतलब स्पेसिफाइड नहीं है कि वो इस मान लीजिए कि UP में जो है कोई भी ट्राइब जैसे कि बिद्दा ट्राइब जो है UP में जो है शेड्यूल ट्राइब है, वो ज़रूरी नहीं। तो अभी देखिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो है अमेंडमेंट्स गवर्नमेंट लाई है। तो होता क्या है, अभी जितने भी बैंक्स हैं वो दो तरीके के एक्ट्स में काम करते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। तो यूनियन गवर्नमेंट ने जो अभी ये अमेंडमेंट लाई है उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि यूनियन गवर्नमेंट ने RBI को पावर दे दी है जितने भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हैं उनको लाइसेंस इशू करने की। एट करंट वी हैव 35 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो कि RBI के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के में जो है वो काम करते हैं इन लाइन विद अदर कोऑपरेटिव बैंक्स। इसके साथ साथ जो डिपॉजिटर्स हैं उनको भी DICGC यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के द्वारा जो है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर जो है 1 लाख तक की अगर बैंक जो है बैंकरप्ट हो जाता है तो वो राशि जो है उनको वापस कर दी जाएगी इन केस ऑफ बैंकरप्सी ऑफ द बैंक। तो अब इसके साथ साथ हुआ क्या है, अब RBI को ये पावर दे दी गई है कि जो बैंक का अपना बोर्ड है उसको सुपरसीड करने की, उसके डिसीजंस को जो है RBI सुपरसीड कर सकती है इन टर्म्स ऑफ मैनेजीरियल फंक्शन। पहले होता क्या था कि RBI के रेगुलेशन से जो है एम्प्लॉयज़ तो बाउंड होते थे मगर जो बैंक का बोर्ड है, जो बैंक का अपना बोर्ड है वो RBI के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर नहीं आते थे। तो अब इस एक्ट के जरिए जो RBI के डिसीजंस होंगे वो सुपरसीड करेंगे बैंक के बोर्ड के डिसीजंस को। अब देखिए अब बात करते हैं सेंट्रल रजिस्ट्रार की। तो सेंट्रल रजिस्ट्रार जो है वो क्या देखती है, वो एक एपेक्स बॉडी है जो जितने भी लोकल रजिस्ट्रार और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो सभी उनके ऑपरेशनल और मैनेजीरियल फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होती है, लोकल रजिस्ट्रार। और लोकल रजिस्ट्रार के पूरे जितने भी लोकल रजिस्ट्रार्स हैं उनके फंक्शनल और एडमिनिस्ट्रेशनल और ऑपरेशनल साइड को मैनेज कौन करता है, वो सेंट्रल रजिस्ट्रार है। अब देखिए करंटली अगर बात करें तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है वो रेगुलेट और सुपरवाइज किए जाते हैं स्टेट रजिस्ट्रार सोसाइटीज़ के द्वारा। और जब अगर बात की जाए सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की तो उस केस में जो होता है सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है देखती है। इसके अलावा अगर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है तो वो पूरी तरीके से RBI के अंदर आते हैं। अब अगले एक्ट की ओर बढ़ते हैं, अगले एक्ट में बात करते हैं ट्रिब्यूनल, एपिलेट ट्रिब्यूनल एंड
अथॉरिटीज़ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड अदर सर्विसेज ऑफ मेंबर्स रूल 2020। तो नाम ही इतना बड़ा सा है। तो इसमें हुआ क्या है, ये जो फ्रेम की गई है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा की गई है विथ एक्सरसाइज ऑफ फाइनेंस एक्ट 2017। तो इसमें क्या है, इसमें जितनी भी 19 ट्रिब्यूनल्स हैं इंक्लूडिंग द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, कस्टम एक्सरसाइज, जितने भी ट्रिब्यूनल हैं एक्सेप्ट फॉरनर्स ट्रिब्यूनल जो है, इनको जो है टोटली इनका जो अपॉइंटमेंट और रिमूवल है वो किसके द्वारा किया जाएगा, एक कमेटी के द्वारा किया जाएगा, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के द्वारा किया जाएगा, जो कि कंपोज करेगी सीजेआई और जज नॉमिनेटेड बाय सीजेआई, प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन ऑफ द ट्रिब्यूनल एंड टू गवर्नमेंट सेक्रेटरीज फ्रॉम कंसर्न मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट। तो ये सभी मिलके, आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि सर्च कम सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन है, पहला तो हो गया सीजेआई, दूसरा या फिर अगर सीजेआई नहीं है तो एक नॉमिनेटेड जज, प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन ऑफ द ट्रिब्यूनल और दो गवर्नमेंट सेक्रेटरीज ऑफ मिनिस्ट्री। अब रिमूवल की क्या प्रोसेस है, रिमूवल भी जो है इनकी जो होगी वो इसी सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के द्वारा रिकमेंड की जाएगी और इसके लिए इंक्वायरी कंडक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब इसके अलावा देखिए, जो पर्सन जुडिशियल और लीगल एक्सपीरियंस होगा वही एलिजिबल होगा फॉर अपॉइंटमेंट। और इसके अलावा रूल्स ने जो है चारों ट्रिब्यूनल का जो है टर्म भी फिक्स कर दिया है, जो कि है 4 साल, जितनी भी ट्रिब्यूनल्स हैं, चाहे वो ट्रिब्यूनल इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल हो, कस्टम्स ट्रिब्यूनल हो, एक्साइज ट्रिब्यूनल हो, तो सबका टर्म कितना होगा, 4 साल होगा। अब अगर एक बार, इसके साथ साथ एक प्रोविजन इसमें और ऐड कर दिया गया है, एक बार के लिए अगर कोई भी आदमी किसी भी ट्रिब्यूनल में अपॉइंट कर दिया गया तो ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। अब देखिए हुआ क्या था, सुप्रीम कोर्ट का थर्ड जज केस जो है वो प्राइम ऑफिसाई बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और बहुत ही कंट्रोवर्शियल भी रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो फोर्थ जज केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो जुडिशरी है वो उसकी प्राइमेसी होगी इन सेलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स इंक्लूडिंग द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और इसीलिए जो है सरकार जब एनजेएसी लाई थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पे खारिज कर दिया था कि दैट इन्फ्रेंजेस द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेशनल आईपीआर पॉलिसी 2016 की। तो इसका बेसिक एम क्या है, ये एम करती है टू क्रिएट एंड एक्सप्लॉयट सिनर्जीज, जितनी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं उनके बीच में सिनर्जी क्रिएट करने की और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में बताकर आईपीआर ज़्यादा से ज़्यादा पेटेंट करवाने की, ये बात नेशनल आईपीआर पॉलिसी कहती है। इसके 7 ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आईपीआर अवेयरनेस, जनरेशन ऑफ आईपीआर, लीगल एंड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, कमर्शलाइजेशन ऑफ आईपीआर, एनफोर्समेंट एंड एडजुडिकेशन एंड ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। अब देखिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी भी अभी अभी 2019 में रिलीज हो गई है। तो पॉलिसी का विजन क्या है, पॉलिसी ये एम करती है कि इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाया जाए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग में। अब ये जो है 2012 की जो नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स थी इसको रिप्लेस करती है। तो ईयर एंड रिव्यू की जो सीरीज़ हमारी है उसमें हम मिनिस्ट्री वाइज जो स्कीम्स है उसका कंपाइलेशन की पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़ जाइए, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो देखते रहिए। अब देखिए स्पेशल पैकेज और इंसेंटिव ऑफ फॉर मेगा प्रोजेक्ट्स की भी इसमें बात की गई है। इसके अलावा नेशनल आईपीआर पॉलिसी में जो है ये बात की गई है कि इंडस्ट्री लेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए और सारी जगह जो है इनोवेशन इन सब सेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो नेशनल आईपीआर पॉलिसी है वो क्या बात करती है, वो बात करती है कि इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए ताकि सपोर्ट किया जा सके स्किल्ड मैन पावर और उनकी रीस्किलिंग पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा नेशनल आईपीआर पॉलिसी ये भी कहती है कि सोवरेन पेटेंट फंड बनाया जाना चाहिए ताकि जो डेवलपमेंट और एक्विजिशन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो ये प्रॉपरली जो है अकोमोडेट किया जा सके। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन फेकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट। तो देखिए इंडिया में जो है अराउंड 73% जो फेकल स्लज है वो ड्रेन आउट होता है ओपनली इन द रिवर्स,
तो इसी को लेके नेशनल पॉलिसी ऑन फेकल स्लज एंड सीपेज मैनेजमेंट प्रोग्राम मैनेजमेंट जो है वो लॉन्च की गई है। तो ये आता किसके अंदर है, ये स्वच्छ भारत मिशन अमृत और स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत ये नेशनल पॉलिसी ऑन फेकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट ये इंप्लीमेंट होनी है। अब देखिए हाल ही में क्या हुआ है, यूनियन को कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस ये जो है निकाला गया है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा, जो कि एक वॉलेंट्री कोड है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये वॉलेंट्री कोड है। अब ये रिलेटेड किससे है, ये रिलेटेड है मार्केटिंग प्रैक्टिसेस इन इंडियन फार्मास्यूटिकल एज वेल एज मार्केटिंग डिवाइसेस इंडस्ट्री। तो अब इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ होगी, ये जो होगा वो सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज, MR एजेंट, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर्स हैं, सब पे लागू होगा। तो यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस क्या कहता है, ये एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है जो कि प्रैक्टिस किया जाना है जितने भी मेडिकल के फार्मास्यूटिकल रिलेटेड लोग हैं उनके द्वारा। तो ये रिलीज किसके द्वारा किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 जो है ये फ्रेम किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब इसमें हुआ क्या था, क्योंकि आपको पता है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें जो होता था ब्रिटिशर्स टी प्लांटेशन करते थे, तो वहाँ पे क्या किया गया था कि नॉर्मल इंडियंस की जो है एंट्री को ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था इन सम डेजिग्नेटेड एरियाज। तो ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट क्या अलाउ करता है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में कोई भी नॉन रेसिडेंट बिना इनर लाइन परमिट के ILP के वहाँ टेम्प्रेरी स्टे नहीं कर सकता है। वहाँ टेम्प्रेरी स्टे के लिए भी इनर लाइन परमिट की उसको ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए आसाम इस अकॉर्ड का जो है क्लॉज 6, आसाम अकॉर्ड का जो क्लॉज 6 है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है। हाल ही में CAA प्रोटेस्ट रहा और भी बहुत से प्रोटेस्ट रहे, तो कुल मिला के जो है क्लॉज 6 जो है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्लॉज रहा है। तो जानते हैं इसके बारे में। तो ये क्या कहता है, ये प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव सेफ गार्ड और प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे बात क्या हो रही है, जो क्लॉज 6 है उसकी बात हो रही है। तो ये क्लॉज 6 क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेफ गार्ड ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके और प्रमोट किया जा सके कल्चरल, सोशल, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एंड हेरिटेज ऑफ आसामीज पीपल। ये टोटली आसाम के लोगों को जो है प्रोटेक्ट करने की बात करता है कल्चरली, सोशली, लिंग्विस्टिकली। अब होता क्या है, एक हाई लेवल कमेटी अभी हाल ही में जो है अपॉइंट हुई थी जस्टिस रिटायर्ड BK शर्मा के द्वारा ऑन आसाम अकॉर्ड क्लॉज 6, जिसने अभी हाल ही में अपनी रिपोर्ट सबमिट की है आसाम के चीफ मिनिस्टर को। तो इसमें बात क्या की गई है, इसमें बात की गई है क्या आसाम अकॉर्ड लागू रहना चाहिए या उस पर कुछ चेंजेस होने चाहिए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, उसमें उनका यह डिसीजन था कि 100% रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स इन शेड्यूल एरियाज जो है वो बिल्कुल भी परमिसेबल नहीं होगा, क्योंकि इस जजमेंट में जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज डज नॉट मीन सप्रेशन ऑफ मेजोरिटीज। तो अगर 100% रिजर्वेशन अगर किसी को दे दिया गया तो उससे होगा क्या कि जो मेजोरिटी के राइट्स हैं वो इन्फ्रिंज हो जाएंगे, और फंडामेंटल राइट में कहा जाता है राइट टू इक्वालिटी, तो वहाँ पे तो इक्वालिटी रही नहीं ना। 100% अगर रिजर्वेशन हो जाएगा वो टोटल इम्पार्शियलिटी विद द जनरल पीपल लिविंग ओवर देयर। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को जो है टोटली हेल्ड डाउन कर दिया। अब देखिए जो इसका 5th शेड्यूल है आर्टिकल 244 के अंदर, तो वो कंटेन करता है प्रोविजन रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एरियाज अदर देन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब इसके अलावा देखिए इंडिया में जो है एट प्रेजेंट जो शेड्यूल एरिया की बात की जाए तो वो कौन कौन से एरिया को शेड्यूल एरियाज डिक्लेयर किया गया है, आंध्र प्रदेश इंक्लूडिंग तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान। तो टोटल मिलाकर हम लोगों को ये याद रखना है कि आंध्र प्रदेश में है, गुजरात में है, छत्तीसगढ़ में है, हिमाचल प्रदेश में है, झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, ओडिशा में है और राजस्थान में है। ये याद रखना जरूरी है क्योंकि UPSC इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकती है, एट प्रेजेंट शेड्यूल एरियाज डिक्लेयर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो आपको ये सभी स्टेट्स याद रखने हैं। तो शेड्यूल एरिया जो है वो नोटिफाई किसके द्वारा किए जाते हैं, वो नोटिफाई किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट। अब देखिए जिस भी स्टेट में शेड्यूल एरिया होगा वहाँ एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होगी जो कि 20 मेंबर्स कंसिस्ट करेगी। इसके अलावा देखिए गवर्नर को जो है एम्पावर किया गया है टू डायरेक्ट एनी पर्टिकुलर लॉ ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इफ़ इट इज़ आइदर एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल, कि वहाँ पर शेड्यूल एरिया में टोटल गवर्नर के पास पावर है कि वो पार्लियामेंट का कोई एक्ट पार्शली भी इम्प्लीमेंट कर सकता है, होली भी इम्प्लीमेंट कर सकता है या फिर बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है, और आस्क कर सकता है उनसे रिकंसिडर करने के लिए एक्ट को। मुझे लगता है ये आसाम अकॉर्ड भी आपको समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, जम्मू कश्मीर डोमिसाइल रूल जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इशू किए गए हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जो जम्मू कश्मीर में जो है आर्टिकल 370 का रिवोकेशन हुआ, उसके बाद नए कश्मीर को बसाने की बात की जा रही है। तो उसी के सिक्वेंशियल ऑर्डर में जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अडेप्टेशन ऑफ स्टेट लॉज ऑर्डर 2020 जो है वो निकाला है। इसने क्या किया है, 109 लॉज इंक्लूडिंग जो है वहाँ के लोकल लॉज जो हैं, 109 लॉज को जो है टोटली अमेंड कर दिया गया है, और 29 लॉज जो है टोटली जो अस्टवाइल स्टेट थे उनको रिप्लेस कर दिया गया है। और जो डोमिसाइल क्लॉज था जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रिक्रूटमेंट एक्ट 2020, तो उसको भी अमेंड किया गया है। अब देखिए परमानेंट रेसिडेंट ऑफ स्टेट जो कि एक्ट 2010 के एक्ट में था, उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है डोमिसाइल ऑफ यूटी के द्वारा। यानी कि देखिए जो पहले ये कहा जाता था कि कोई भी परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द स्टेट, और परमानेंट रेसिडेंट की जब बात आती थी वहाँ पे बात आती थी कि ही शुड नॉट बी आउटसाइडर, और बहुत से जो प्रोविजंस थे वो लगते थे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द स्टेट को हटाते हुए वहाँ पे डोमिसाइल ऑफ यूटी वर्ड जो है सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। इसके अलावा देखिए जैसे पहले क्या होता था, ओनली परमानेंट रेसिडेंट जो होते थे वो गजेटेड पोस्ट के लिए अप्लाई कर पा देते थे, बट आप से क्या होगा, नॉन डोमिसाइल जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं जम्मू कश्मीर के लिए। तो आप तैयार रहिए, जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस एग्जाम आने वाला है तो उसके लिए आप लोग अप्लाई करने के लिए तैयार रहिए। अब देखिए क्राइटेरिया की जब बात करें डोमिसाइल की, कोई भी अगर वहाँ 15 साल से अधिक रहा है यूटी और जम्मू कश्मीर में, और कोई भी जिसने 7 ईयर्स वहाँ से पास किए हैं या फिर क्लास 12th और 10th वहाँ से किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से पास किया, पास आउट किया है, तो वो एलिजिबल हो जाता है जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल के लिए। अब देखिए एंटिसिपेटरी बिल यहाँ पे बात की जा रही है। अब एंटिसिपेटरी बिल क्या है, अंडर आर्टिकल सेक्शन 438 विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन CRPC जो कि 1973 में अमेंड हुई थी, उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविजन, यानी कि बेल बिफोर अरेस्ट या फिर अरेस्टिंग स्टे भी इसको बोलते हैं। तो ये प्रोविजन क्या है, ये प्रोसीड्यूरल प्रोविजन है जो कि प्रोवाइड करता है पर्सनल लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल हु इज एंटाइटल्ड टू बेनिफिट ऑफ परसुमेशन ऑफ इनोसेंस, यानी कि कोई भी इनोसेंट आदमी जिसे ये लगता है कि उसे बेवजह फंसाया जा रहा है, ही कैन आस्क स्टे फ्रॉम द गवर्नमेंट और एंटिसिपेटरी बेल वो ले सकता है। तो जैसा कि ऑर्डिनरी बेल में होता है पर्सन को जो है अरेस्ट होने के बाद बेल लेनी पड़ती है, एंटिसिपेटरी बेल जो होती है वो डायरेक्ट की जाती है कि पर्सन को जो है अरेस्ट ही ना होना पड़े। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ये क्यों न्यूज़ में है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसने कहा था कि एंटिसिपेटरी बेल जो है वो फिक्स्ड पीरियड के लिए लिमिट नहीं की जा सकती, और ये जो एंटिसिपेटरी बेल है वो कब तक कंटिन्यू कर सकती है, जब तक कि ट्रायल एंड ना हो जाए। तो पहले क्या था, ये कहा जाता था कि एंटिसिपेटरी बेल 2 मंथ की है, 3 मंथ की है, बट सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट जजमेंट के हिसाब से जो एंटिसिपेटरी बेल है इट कैन इवन प्रिवेल अंटिल द एंड ऑफ द ट्रायल, यानी कि अगर आपने एंटिसिपेटरी बेल ले ली है तो आपके ट्रायल के एंड तक आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और अभी रिसेंट में जो अर्नब गोस्वामी केस हुआ था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जेल इज नॉट अ प्रोविजन बट बेल इज अ प्रोविजन, यानी कि जेल जो है वो कुछ ही केस में होगी बट बेल 99% केसेस में जो है वो दी जा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए बात करते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की, तो ये जो है मेंस का भी आपका टॉपिक है। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सभी पार्टीज को जो है मैंडेटरी कर दिया है कि उनको पब्लिश करना होगा अपने सोशल मीडिया पेजेस पर भी डिटेल्स ऑफ केसेस, हाँ जितने भी केसेस हैं पेंडिंग अगेंस्ट देयर कैंडिडेट, और रीजन क्या है कि उन्होंने इतने केसेस के बाद भी जो है उस कैंडिडेट को जो है टिकट दिया। तो आर्टिकल, अब देखिए क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स की अगर बात हो रही है तो उसके कुछ प्रोविजंस की बात कर लेनी है प्रीलिम्स के हिसाब से। तो आर्टिकल 1021 और 191 क्या करता है, कोई भी MP और MLA को जो है इन दीज ग्राउंड्स जो है डिस्क्वालीफाई करने की बात करता है। अब सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 क्या करता है, जो भी कन्विक्टेड पॉलिटिशियन जो कि ट्रायल फेस कर रहे हैं, कन्विक्टेड पॉलिटिशियंस को जो है टोटली बैन करता है, पर जो ट्रायल फेस कर रहे हैं जिनका ऊपर सीरियस चार्ज नहीं है वो फ्री हैं टू कंटेस्ट द इलेक्शंस। अब देखिए अगर प्रीवियस नोटेबल्स की अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट की जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है उनके ऊपर, तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ADR केस 2002, लिली थॉमस केस 2013, पीपुल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2014, और पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014, लोक प्रभारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया प्लस पब्लिक इंटरेस्ट
फाउंडेशन केस 2018, ये सभी केसेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके मेंस के लिए। आप सभी केसेस को एक पेज में नोट डाउन कर लीजिए। जब भी बात आएगी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की, तो इन सभी केसेस को आप वहाँ पे कोट कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। अब देखिए, डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज की बात की जा रही है, तो अब डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज जम्मू कश्मीर में जो होने जा रही है, क्योंकि अस्टवाइल जो जम्मू कश्मीर है, आज जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी और लद्दाख यूनियन टेरेटरी में जो है डिवाइड हो चुका है, तो जो नई यूनियन टेरेटरी है जम्मू कश्मीर की, वो पहली बार जो है डिलिमिटेशन की जो है एक्सरसाइज से गुजरेगी, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन फिगर्स जो कि 2011 के सेंसस में रिकॉर्ड हुए थे। और लेटेस्ट जो रीएडजस्टमेंट होगा बाउंड्रीज का ऑफ द कंस्टिट्यूएंसीज ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी, वो 2001 के ही सेंसस के बेसिस पे होगा इन द फ्यूचर। और ये जो है कैरिड आउट किया जाएगा दो अगली बार, मतलब अगर इसको रीएडजस्ट किया जाएगा तो 2031 के सेंसस पे किया जाएगा। तो ये यूनिक प्रोविजन है जम्मू एंड कश्मीर का, जो अमेंडमेंट के द्वारा जो है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में जो है इंट्रोड्यूस किया गया। अब डिलिमिटेशन की अगर बात की जाए, तो लास्ट टाइम जो है जम्मू कश्मीर में 1995 में डिलिमिटेशन की गई थी। अब सेक्शन 63 जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, दैट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कैन बी कंडक्टेड स्मूथली विदाउट ओवरलैपिंग विथ अदर प्रोविजन ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट। तो सेक्शन 2063 जो है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो है इन्वोक किया गया है, ताकि जो डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट है उससे कहीं क्लैश ना हो और जो है हिंडेंस ना आए डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज में। इसके साथ साथ देखिए, नॉर्थ ईस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कन्क्लेव की जो है हम बात कर लेते हैं, तो ये कहाँ हुई है? ये हुई है गुवाहाटी आसाम में। तो इसमें क्या हुआ है, नीति आयोग ने जो है ये कन्क्लेव ऑर्गेनाइज की है इन नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, गवर्नमेंट ऑफ आसाम, टाटा ट्रस्ट, यूनियन नेशन UNEP एंड रिसर्च इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ डेवलपिंग काउंसिल RIS। यानी कि ये किस किस के द्वारा की गई है, ये आयोजित किसके द्वारा की गई है? नीति आयोग के द्वारा। इसमें पार्टिसिपेटिंग लोग कौन कौन से हैं, इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, गवर्नमेंट ऑफ आसाम, टाटा ट्रस्ट, यूनियन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, रिसर्च इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़। अब इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस 2020 की बात कर लेते हैं, तो ये कॉन्फ्रेंस जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है ऑर्गेनाइज़ किया है, और इसकी थीम क्या है, जुडिशरी एंड चेंजिंग द वर्ल्ड। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली नॉर्थ ईस्टर्न सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कन्क्लेव की कहाँ हुई थी, ये गुवाहाटी में हुई थी, आयोजित इसको किसने किया था, नीति आयोग ने। और ये कन्क्लेव जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, आसाम ट्रस्ट, टाटा ट्रस्ट, UNEP, UNDP और RIP के RIS के द्वारा जो है मिलकर कराई गई थी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कोस्टल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड रेसिलियंस, CDDR एंड R 2020। तो ये पहली बार ऑर्गेनाइज की गई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा न्यू दिल्ली में। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट किसके अंदर आता है? वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा अंदर, और इसको कंस्टिट्यूट किया गया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत, जो कि इंटरेस्ट करता है उसे एंड NIDM को नोडल एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड पॉलिसी एडवोकेसी इन फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। यानी कि NIDM क्या है, टोटली एक नोडल एजेंसी है जो कि डिजास्टर रिलेटेड सभी तरीके के एक्शंस हैं उनके लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। अब देखिए, रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट रेस समिट 2020 जो है हाल ही में जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। अब देखिए, ये रेस समिट आपको बहुत कई बार पूछा भी गया है ऐसे क्वेश्चंस। तो इसका एम क्या है, ये एम करता है टू टेक पीपल टुगेदर टू एक्सचेंज आइडियाज ऑन यूज ऑफ AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट, इंक्लूजन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रीज सच एज एजुकेशन, स्मार्ट मोबिलिटी, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर एमंग द अदर्स। तो ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलोंग विद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन पार्टनरशिप ऑफ इंडस्ट्री एंड एकेडमिया। तो आपको ये बातें याद रखनी है। अब देखिए, हाल ही में 11th कृषि विज्ञान कॉन्फ्रेंस हुई है दिल्ली में। तो ये कृषि विज्ञान कांग्रेस क्या है, ये नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम का एक पार्ट है। तो फर्स्ट कृषि विज्ञान कांग्रेस जो है इस्टेब्लिश की गई थी 1974 में पौंडीचेरी में, और कृषि विज्ञान कांग्रेस जो है वो जो स्कीम है वो 100% फाइनेंस की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसमें जो है एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ को जो है ICR के इंस्टीट्यूट्स को और रिलेटेड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और वर्किंग इन एग्रीकल्चरल फील्ड जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जो है फाइनेंस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए, 23rd नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस इन मुंबई जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड ग्रीवेंस DARPG के द्वारा आयोजित की गई है विथ अलॉन्ग विथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। और इसमें क्या है,
इसका जो मेन एम है, टू लीड मुंबई डिक्लेरेशन ऑन ई गवर्नेंस, यानी कि मुंबई का जो ई मुंबई डिक्लेरेशन ऑन ई गवर्नेंस है उसको किसी भी तरीके से फॉर्मुलेट करना। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं 34 सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेले की। तो हाल ही में जो है परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन जो है वो इंडक्ट किया गया है, सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जजमेंट जो है उसके बाद जो है परमानेंट कमीशन के लिए भी जो है वुमेंस को जो है अलाउ कर दिया गया है। अब अगर बात करें इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी जो मेनली है वो काम करती है दो पार्ट्स में, फॉर जो वो हैं कॉम्बैट आर्म्स और सर्विसेज। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो हाल ही का जो लैंडमार्क जजमेंट है, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेज बबीता पुनिया एंड अदर्स केस 2011-20, इसमें क्या क्या आ गया है, परमानेंट कमीशन स्टेटस ऑफ वुमेन इन शॉर्ट सर्विस इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को जो है अलाउ कर दिया गया है। और इससे क्या हुआ है, वुमेन एलिजिबल हो गई हैं कमांड पोजीशंस के लिए। तो वुमेन ऑफिसर जो हैं आर्म्ड फोर्सेज में लगभग 80 सालों से अभी तक सर्व कर रही हैं, और अभी तक जो है उन्हें इंडक्ट किया जाता था नर्सिंग सर्विसेज में टिल 1927। अब उसके बाद जो है मेडिकल ऑफिसर्स कैडर 1943 में जो है इंडक्ट किया गया। अब 1992 में क्या हुआ, इंडियन आर्मी की और ब्रांचेज जैसे कि आर्मी ऑर्डिनेंस ब्रांच, आर्मी एजुकेशन कॉप, जज एंड एडवोकेट जनरल, ये सभी जो पोस्ट थी वो भी जो है ओपन कर दी गई, और ग्रेजुअली जो थी आर्म्ड सर्विसेज जो थी वो धीरे धीरे वुमेंस के लिए खुलना शुरू हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ, जो वुमेन जो है वो सर्विसेज पे लाई जाती थी फॉर 5 ईयर्स अंडर वुमेन स्पेशल एंट्री स्कीम, अब जिसे लेटर स्टाफ सर्विस कमीशन में कन्वर्ट कर दिया गया 2006 में। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, टेन्योर ऑफ इंगेजमेंट जो था, यानी कि वुमेन कितने साल तक काम कर सकती हैं, उसको 10 साल तक बढ़ा दिया गया 1996 में, जो कि आगे बढ़ा दिया गया 14 साल के लिए 2004 में। तो अब एक वुमेन जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी में जो है वर्क करती है, तो उसके पास 14 ईयर का टाइम होगा, और जिसके अंदर उसे रिटायर होना होगा। अब देखिए क्योंकि वुमेन जो है ऑलरेडी प्लाटून और कंपनी में जो है काम कर रही थी कंपनी कमांडर, पर अभी तक जो है उन्हें परमानेंट कमीशन में जो है जगह नहीं मिल पाई थी। तो अभी का जो रिसेंट का वर्डिक्ट है उसने वुमेन को कमांडिंग पोजीशन होल्ड करने की जो है वो पावर दे दी है, और लार्जर ग्रुपिंग्स को भी वुमेन जो है इन द कर्नल पोजीशन जो है वो होल्ड कर सकती हैं। अब जो कमांड पोजीशन है वो सभी वुमेन ऑफिसर्स के लिए जो है खुल चुकी हैं, बट इसका मतलब बिल्कुल ये बिल्कुल नहीं है कि जो कमांडिंग पोजीशन है इन द फाइटिंग बटालियंस, जो वुमेन हैं वहाँ जाकर फाइट करेंगी, बट जो है वुमेन्स क्या होगा, कर्नल लेवल तक जो है एलिजिबल है कि वो कर्नल लेवल तक जो है प्रमोशन ले सकती हैं अंडर द 15 ईयर्स ऑफ टेन्योर। और जो कमांड है, कमांड वो है वो नॉन फाइटिंग यूनिट में जो है ली जाएगी। अब ये इसके साथ साथ एक बात और है कि ये जो है वुमेन्स को नॉन कॉम्बैट आर्म्स इन्फेंट्री और आर्म्ड कॉप्स में जो है वुमेन को एलिजिबल बिल्कुल नहीं करता है, ये जजमेंट में कहा गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, करते हैं पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट की। तो अभी हाल ही में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, ग्रुप ए की जितनी भी सर्विसेज हैं उनमें कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट फॉर फर्दर 2 ईयर्स पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड में जो है विदाउट प्रायर गवर्नमेंट परमिशन जो है टोटली बैन कर दी गई है। इसके अलावा देखिए कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है वो कोई भी पोस्ट में जो है एलिजिबल नहीं है टू होल्ड द ऑफिस इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट आफ्टर ही हैज सीज टू होल्ड द ऑफिस। अब यूपीएससी की अगर बात करें, ऑन पोस्ट एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म जो मेंबर होगा वो इन एलिजिबल कर दिया गया है फॉर रीअपॉइंटमेंट टू द ऑफिस। अब माइग्रेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं, माइग्रेंट की डेफिनेशन अंडर द सेंसस इज माइग्रेंट एज अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ प्लेस अदर देन हिज प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ डेफिनेशन, और वन हैज चेंज्ड हिज यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंट टू अनदर प्लेस चेंज इन यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंट डेफिनेशन। तो ये माइग्रेंट की डेफिनेशन एज पर द सेंसस है, और नंबर ऑफ इंटरनल माइग्रेंट्स जो है इंडिया में अराउंड 450 मिलियन है एज पर 2011 सेंसस। माइग्रेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंट में जो कोरोना पैंडेमिक आया था उसमें बहुत से माइग्रेंट्स इधर उधर हुए थे, तो माइग्रेंट्स की डेफिनेशन भी यूपीएससी पूछ सकती है इनडायरेक्ट वे में। अब भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, यह भी हाल ही में न्यूज़ में है, क्यों, क्योंकि इसको कैबिनेट ने इसका जो एलिवेशन कर दिया है एज एन ऑटोनॉमस बॉडी जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो बिसात जो है वो, बिसात क्या है, वो एक स्टेट एजेंसी की तरह काम करता था अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, जो कि अब एक ऑटोनॉमस बॉडी की तरह काम करेगा साइंटिफिक सोसाइटी की तरह अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये जो है टोटली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करेगा, और इसका स्टेटस जो है स्टेट से सेंट्रल गवर्नमेंट तक एलिवेट कर दिया गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में हम बात करेंगे बॉडीज इन न्यूज़ की, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे
को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, यूट्यूब से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।